गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, कक्षा आपकी 6 है और आज डेट है 13 अक्टूबर। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना था कि बचपन पाठ की जो लेखिका है, क्या नाम है इनका, कृष्णा सोबती। बचपन आपका पाठ है और लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। ये बताती हैं कि आज के टाइम में और जो इनका वक्त था उसमें कितना ज़्यादा चेंज है। आज के जो खेल हैं वो भी बहुत बदल गए हैं, खान पान भी बदल गया है, पहनावा भी बहुत बदल गया है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार गाड़ी वही थी, कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो और वह गायब। यानी कि उसकी स्पीड ही इतनी तेज थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में इनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब को कहा, दोहरा देती, कुछ देर पहनोगे तो इनक उतर जाएगी। ठीक है, तो जो भी ऐसे बोलते हैं ना, आज भी बोलते हैं चीज़ों को कि इतनी सी उम्र में चश्मा लग गया है, दूध पिया करो, ऐसे किया करो, वैसे किया करो, विटामिन वाली चीज़ें खाया करो, हरी सब्जियां खाया करो। तो वो कहते हैं कि जो डॉक्टर मुझे कहते थे कि भाई कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, तो डॉक्टर ये कहते हैं। ठीक है, सो अब करेंगे क्वेश्चंस को बच्चों। जो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखिए। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, ऊंची ऊंची इमारतें, मेट्रो ट्रेन, रोबोट, स्पोर्ट्स बाइक और कारें, हाई स्पीड ट्रेन आदि चीज़ें आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आपको, आप अपनी तरफ से बच्चा आंसर लिख सकते हो जो चीज़ आपको आकर्षित करती है। लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने से लेखिका की नज़र कमज़ोर हो गई थी, इसलिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। अपने परिवार में किसी बड़े सदस्य जैसे माँ, पिताजी, दादा, दादी आदि से उनके बचपन की बातों को सुनिए कि बचपन में वे क्या करते थे, और उनका किसी रोचक घटना को लिखिए। उनकी किसी भी जो है रोचक घटना को आपको लिखना है। तो बच्चों देखो, ये जब मैं आंसर लिख रही थी तो मेरे दिमाग में यही आया। आपके दिमाग में जो आता है, आपके पेरेंट्स, कुछ बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो क्वेश्चन आज भी मेरे दिमाग में है ही। मेरे माता पिता का बचपन मेरे बचपन से बहुत अलग रहा है। ठीक है, उनका त्यौहार मनाने का तरीका, खान पान सब बहुत अलग था। मेरे पिताजी बताते हैं कि पहले की औरतें बहुत भारी दामन यानी कि घाघरा, दामन जो होता है ना वो होता है घाघरा। ठीक है, घाघरा यानी कि बहुत ही भारी होता था जो बूढ़ी औरतें, बूढ़ी मतलब मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जिनको देखा था, जिन औरतों को पहनते हुए देखा था, वो काफ़ी बूढ़ी थी मेरे टाइम में। तो घाघरा ना बहुत भारी होता था, आई मीन उसको पहन के आज भी कुछ लोग डांस करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जितना वो लोग डेली यूज़ में पहनते थे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा होता था। और उनके पैरों की जो अभी भी मैं दादी के गहने देखती हूँ ना, जो घर में रखे हुए हैं, सोने के तो नहीं है, मतलब सोने वाले तो नहीं देखे मैंने, कम देखे हैं, चांदी के सारे गहने अभी भी रखे हुए हैं, तो इतने भारी भारी हैं वो। मैं सोचती थी कि ये लोग इतना भार सारा दिन क्यों पहन के रखती थी, मतलब ऐसा क्या था कि हमें एक कड़ा पहना तो सारा दिन वही थोड़ा परेशान करता रहता है। ठीक है, कहीं पार्टी वगैरह में जाना होता तब अलग बात होती है, लेकिन रोज़ के लिए ऐसा कुछ पहनना, कानों में भी डालना, तो थोड़ा मतलब मैं आज की बात कर रही हूँ कि हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनकी आप जेवर भी देखो ना, इतने भारी होते थे। ओहो, तो ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी जिसका क्वेश्चन शायद, तो वो बहुत ही भारी घाघरा पहनती थी और वो इतना भारी था कि वो उसको धोने की बजाय खेत में रेत में दबाती थी। ठीक है, तो उससे क्या होता था, शायद मैं पूछती थी कि ऐसा क्यों करके आती थी वो, उससे धूल थोड़ी जाता था। तो शायद जहाँ तक मेरा लॉजिक लगता है, तो ऐसा होता था कि जो हीट होती है ना, हमारी जो हीट होती है यानी कि जो गर्मी होती है, गर्मी की वजह से सारे कीटाणु होते हैं वो सब मर जाते हैं,
तो वो क्या करती थी, रेत में दबाए आती थी, तो रेत बहुत गर्म हो जाता होगा सारा, सूरज की किरणें लग लग के, तो वो जो कीटाणु होते थे वो हीटिंग से ही जो है मर जाते होंगे, तो वो जो उनको लगता होगा कि इसी तरीके से धुल जाता है, तो ऐसा रहा होगा। आई डोंट नो ऐसा था कि नहीं, बट मुझे ये कहानी काफ़ी सुनने को मिली थी और लोग ऐसे बताते थे हम ऐसा करते हैं, ये मुझे सुनकर बड़ा रोचक लगता था। आई मीन सिर्फ आप धूप में दबाया और सब कुछ हो गया ठीक। चलो जी, पाठ में आए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को ढूंढकर उनसे एक एक वाक्य बनाना है। शोरूम, हमारे घर के पास कपड़ों का शोरूम है। ट्रेन, मैं अक्सर ट्रेन से यात्रा करता हूँ। स्टेशन, रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। सिग्नल, रेड सिग्नल देखकर गाड़ी रोक देनी चाहिए। स्पीड, आज गेंदबाज ने बहुत तेज स्पीड से गेंदबाजी की है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस संस्मरण में कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। देखना देख, दौड़ना दौड़, फैलना फैलाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे स्टूडेंट्स। ये था हमारा लेसन, और मैंने आप लोगों को, आपको पता ही है कि आपके अलग से लेसन कराने स्टार्ट कर दिए हैं, तो चलिए टारगेट सेट कर देते हैं। आप लोगों को पता ही है कि हमने टारगेट सेट किया है कि हम पहुंचाएंगे अपने चैनल को, जूम एजुकेशन चैनल को, 100K सब्सक्राइबर तक, जिसके लिए आपको वीडियोस को सबको शेयर करना होगा। जितना ज़्यादा आप वीडियोस को शेयर करोगे, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, शेयर सिर्फ उन्हें ही करना है जिसके काम की वीडियो है। ऐसे नहीं किसी के पास भी आप वीडियो शेयर कर रहे हैं, ऐसे नहीं शेयर करना है। जो बच्चे हैं, कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनके काम की चीज़ें हैं, हमें कभी भी वो काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों से परेशानी हो। तो कई बार होता है ना, हम बहुत मैसेजेस मैसेजेस करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, तो दूसरे बहुत परेशान होते हैं। तो आपको उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाना है जिसको, जिनको इनकी एक्चुअल में ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो टारगेट रख लेते हैं, 400 लाइक्स का हम टारगेट रखते हैं कि हम 400 लाइक्स तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, और 100 के अक्टूबर मंथ में ही हम हो जाएंगे, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।